की नींद सड़क पे उतरी और लोगों पर लॉकडाउन का असर देखा। कुछ लोगों का कहना है लॉकडाउन 3 महीने चले या 6 महीने, उन्हें उनकी जरूरतें पूरी करने वाली चीजें उपलब्ध कराई जाए। लोग लॉकडाउन के असर से इतने प्रभावित हैं कि अपने गांव जा रहे हैं, भूखों मरने की नौबत आ चुकी है। लोग एक दूसरे की मदद कर रहे हैं, संस्था वाले लोग खाना दे रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ लोग माननीय नरेंद्र मोदी जी के समर्थन में भी हैं। देखिए हमारी संवाददाता मोहिनी की एक खास रिपोर्ट। नमस्कार, मैं आपके साथ मोहिनी, आप देख रहे हैं पब्लिकेशन न्यूज। इस वक्त मौजूद हूँ मैं NH 24 पर। आप देख सकते हैं मेरे पीछे लोग खाना बांट के मजदूरों की हेल्प कर रहे हैं, जो लोग बेसहारा होकर रोडों पे जा रहे हैं, अपने गांव जा रहे हैं, उनकी ये लोग खाना बांट की सेवा कर रहे हैं। तो आइए इनसे बात करते हैं। हेलो सर, आप कौन से पोस्ट हैं? हम पोस्ट इंसान की संस्था अपनी जैसे दोस्तों ने मतलब इकट्ठी करके अपना इंसान बनाया। पहले बात तो हम यहाँ पे खाने पीने की बहुत कमी है, ठीक है ना, खाने पीने को भी नहीं मिलता और खर्च कम है, रहते किराए दो नहीं तो खाली कर दो, अब कमरा खाली करके रहेंगे कहाँ। इससे बेहतर है कि हम पैदल ही अपने गांव को चले जाएं, यहाँ रहने से बेहतर रहेगा ना, गाँव चले जाएंगे, कम से कम गाँव के अंदर नहीं जाने देंगे। वहाँ पर हमारे मामी है, मौसी है, जो भी है, चाचा ताऊ, कम से कम खाना तो हमें खिला सकते हैं, जी तो सकते हैं। बीमारी से बेहतर है कि हम अपने गाँव चले जाएँ, यहाँ रहने से क्या फायदा, कुछ नहीं मिल रहा, कोई सहयोग भी नहीं मिल रहा। कह रहे थे कि खाना घर घर पहुँचाएंगे, अभी तक किसी ने कुछ नहीं पहुँचा है, कोई सहयोग नहीं मिल रहा है। हेल्पलाइन नंबर पे डायल करते हैं, ये डायल करो, वो डायल करो, ये डायल करो, वो डायल करते रह जाते, कुछ नहीं होता। पुलिस वाले के पास गए वहाँ पे, बोला मैंने कहा कि हमें पास बना दो, हम लोग गाँव जाना चाहते हैं पैदल या बाइक से किसी तरीके से, बोलता कोई बात नहीं देंगे, हम जैसे रहना वैसे क्या करेंगे। वो कह रहे क्या कि अभी 3 महीने तक का भी कर्फ्यू लग सकता है, अब जब 3 महीने तक का लग जाएगा तो यहाँ क्या करेंगे हम लोग, ये बताओ। इससे बेहतर है कि पैदल पैदल चलते रहेंगे, कम से कम 15 दिन में तो पहुँच जाएंगे ना। मकान मालिक बोले कि किराए के लिए झगड़ रहा है, वो कह रहा है किराए दो, कहाँ से देगा किराया, कहाँ से खाएगा किराया। मकान मालिक को किराया माफ करना चाहिए ना, 3-2-3 महीने के लिए। कोई सा नंबर नहीं मिल रहा पुलिस लाइन पे, कोई सा भी नंबर नहीं, कमाएंगे तो खाएंगे क्या, पुलिस वालों को कोई सा नंबर नहीं मिल रहा, बस सुविधा दे रखी है, कोई भी नहीं लगा लो रोड पे, तो घरों से ला ला के जनता को खिलाने सरकार की तरफ से कोई सुविधा नहीं। सरकार तो वादा करती है कुछ नहीं करती, अभी मैं वादा की फर्स्ट देंगे, जो आदमी रोड पे जाने के लिए आनंद यहाँ से भर के आ रही है, यहाँ पे हाथ दे रहे हैं, 4 घंटे हो गए अभी तक कोई रुक नहीं रहा, बताओ क्या करें। रात में कहां बैठे हैं, खत्म हो चुका है, कुछ नहीं बचा हुआ है, कुछ भी नहीं बचा हुआ है। अब ये समाज सेवक जो है यहाँ पे कर रहे हैं, ये लोग केला खिला रहे हैं, पानी खिला रहे हैं, खाना दे रहे हैं, कितने घंटे हो गए खड़े केले मिले, बताओ कैसे जिएंगे। सरकार भी सोचती है, सकून से रहते, यहाँ कोई सकून नहीं है, यहाँ रिक्शा चलाता हूँ मैं, आज रिक्शा चलाया, सवारी उठाया तो कमाया, नहीं तो कल कुछ नहीं है, वो हिसाब किताब क्या करें बताओ। 3 दिन 1500 रुपए थे मेरे पास, 1 रुपए भी नहीं बचे, बोला 1500 रुपए एक सवारी लेंगे, ये कोई तरीका है, 1500 कहाँ से लेंगे, ऐसे कितने 5000 रुपये 4 लोगों को देंगे, इतना कहाँ से होता है, बहुत परेशान है, बहुत परेशान। इतनी मुसीबत के बाद भी आप लोग लॉकडाउन को लेकर समर्थन में आए? नहीं, लॉकडाउन समर्थन नहीं है, लॉकडाउन समर्थन में रहते जब जब हम लोग को कह रहे अपने गांव पहुंच जाओ, तो लॉकडाउन करा बहुत बढ़िया है, मगर हम लोग को समझ देता है।
बहुत बुरा हाल है मैम, देख रहे हो ना, बहुत बहुत बुरा हाल है। एक सुविधा देता है उसके बाद लॉकडाउन करने का बहुत बढ़िया है। इस तरह के हाल में चलना देखो कितनी परेशानी करता है, देख लो सर। सांस लेने का जगह नहीं है, बहुत बढ़िया करता है। जब डीजल लड़की कम था, जब मेरे से हो रहा कोरोना वायरस की सरकार, अब नहीं सुनते सरकार को, बोला पहले क्या सुबह 7 बजे लेकर रात को 9 बजे तक रहेगा, उसके बाद एकदम अगले दिन कर देगा। मनमानी कर रहे ये मैसेज देना चाह रहे सरकार को कि हम लोग गरीब आदमी बहुत परेशान हैं, हमें इस हालत में अपने गांव जाना चाहते हैं, गांव तक पहुंचवा दे सकते हैं, हम जी लेंगे। फिर लॉकडाउन करे वो 3 महीने तक करे, 6 महीने तक करे, हम समझते हैं जितने मतलब हमारे लिए गांव तक पहुँचा देते, हम गांव जाना चाहते हैं। यहाँ से हमें कोई सुकून नहीं है, यहाँ हम परेशान है, वहाँ घर में वो लोग परेशान है, हम घर के अंदर भी नहीं जाने देंगे, गांव से बाहर ही रखेंगे हमें, मगर हम अपना गांव जाना तो सुना आपने। इन लोगों का बस इतना कहना है अपनी सरकार से, लॉकडाउन को लेकर पूरे समर्थन में है, बस इनका कहना इतना है कि इन्हें कुछ टाइम दे कि अपने गांव जा सके, उसके बाद चाहे 3 महीने के चाहे 4 महीने, लेकिन इन्हें अपने गांव में कुछ समय दे, बसों का उपलब्ध कराए, इन्हें अपने गांव जाने दे। देश और दुनिया की बड़ी खबरों के लिए बने रहिए हमारे चैनल पब्लिक एशिया के साथ।